हेलो दोस्तों, मैं हूं रुको। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी अनियन लच्छा पराठा की रेसिपी। बहुत ही सुपर टेस्टी बनके तैयार होती है। इसे आप नाश्ता, लंच या टिफ़िन बॉक्स में भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही चटपटा और मसालेदार आता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस रेसिपी को बनाना। तो अनियन लच्छा पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप आटा, गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो मैदे का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें तेल डाल दिया है। और इस तरह से हमें इसे पहले सूखा ही मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और ये चम्मच में जो लगा हुआ है आटा उसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें पानी डालकर इसका अच्छी तरह से सॉफ्ट डो बना लेंगे। आटा गूंदने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल ज़रूरत के हिसाब से करना है और हमें इस तरह से आटा गूंदना है जैसे हम रोटी बनाने के लिए गूंद लेते हैं, इस तरह से। और यहाँ पर मैंने पानी डालकर इस तरह से इसे मिक्स कर लिया है और सॉफ्ट डो बना के हमें तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से आटे को गूंद लिया है। तो अब हम इसे रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस पर तेल लगा लिया है और इस तरह से हम इसे ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब हम बना लेंगे पराठे के लिए स्टफिंग। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज ली है और इस तरह से स्लाइस में से कट कर लिया है। प्याज को हमें पतला कट करना है ताकि ये पराठे से बाहर ना जाए और अच्छी तरह से हम पराठे को बेल सके। और 2 हरी मिर्चें ली है मैंने इस तरह से चॉप की हुई और हरा धनिया लिया है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक बोल में, प्याज को, हरा धनिया को और मिर्ची को, और इसे हमें मिला लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक। और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्याज के साथ ये मसाले अच्छी तरह से कोट होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं हाथों से इस तरह से इसे मिक्स कर ले रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है वो बनके तैयार है। तो अब हम चलेंगे पराठा बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने ले ली है स्टफिंग, रोलिंग बोर्ड, ये सूखा आटा ले लिया है और हमारा जो गूंदा हुआ आटा है उसे 10 मिनट हो चुके हैं। तो इस तरह से मैं हल्के हाथों से एक बार इसे नीड कर लूँगी और अब हम इसकी लोई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी हमें लोई लेनी है और इस तरह से हम इसे हाथों से सॉफ्ट कर लेंगे। और अब हम इसे आटे में डिप कर लेंगे और इस तरह से हमें इसे बेल लेना है। हमें इसे ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मीडियम हम इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है सूखा आटा और इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो स्टफिंग बना के रखा है वो, और इस तरह से हमें इसे फैला लेना है अच्छी तरह से। और अब हम इसे रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे शुरुआत से इस तरह से, आप देखिए, इस तरह से हमें इसे रोल कर लेना है। हमें इसे टाइट रोल कर लेना है और ज़्यादा भी प्रेस नहीं करेंगे कि ये फट जाए। हमें हल्के हाथों से इस तरह से इसे रोल कर लेना है। अब इसके जो एंड्स है इस तरह से हमें इसे सील कर लेना है ताकि हमारा जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। और इस तरह से हम इसे हल्के हाथों से रोल कर लेंगे। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो इसे हमें अंदर की साइड इस तरह से राउंड कर लेना है और हल्के हाथों से करेंगे। और इसका जो एंड वाला पार्ट है इस तरह से हम इसे बीच में डाल देंगे और हल्के हाथों से हम इसे प्रेस कर लेंगे। अब हम इसमें सूखे आटे में डाल देंगे और सूखे आटे से हम इसे कवर कर लेंगे और हाथों से इस तरह से फैला लेंगे। अब हम इसे हल्का सा बेल लेना है हल्के हाथों से और इसे हमें ज़्यादा नहीं बेलना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे बेल लिया है। अब पैन को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और मीडियम फ्लेम पर हम दोनों साइड से पराठे को अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे दूसरी साइड पलट लिया है और दोनों साइड अच्छी तरह से सेक लेने के बाद अब हम इस पर घी या तेल लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल का इस्तेमाल किया है और तेल लगाने के बाद हम दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो हमें इसे गोल्डन क्रिस्प होने तक अच्छी तरह से सेक लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो अनियन वाला लच्छा पराठा है वो बनके तैयार है और ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। और हमने जो इसका स्टफिंग बनाया है अनियन का, वो बिल्कुल हम जो अनियन वाला समोसा खाते हैं ना, उसी तरह से इसका टेस्ट देता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मेरा एक पराठा बनके तैयार हो चुका है और दूसरे पराठे को मैं सेक लेती हूँ।
तो यहाँ दूसरा पराठा भी मैंने इस पर डाल दिया है और इसे हमें सेम प्रोसेस के साथ सेक लेना है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर चेक करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकॉन है उस पर प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और इस तरह से मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि आपकी स्टफिंग इस तरह से दिखेंगी और ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।